नमस्ते, मैं लक्ष्मी रेड्डी। आज मैं बना रही हूँ पैनकेक। पैनकेक के लिए लगने वाली सामग्री, ये 25 खजूर है, मैं दूध में भिगो के रखा है, और ये ओट्स एक कप रवा, और 10 काजू, 10 बादाम, इलायची 8, और 2 चम्मच पोहा भिगो के रखा है। अभी बादाम ओट्स एक साथ पीस लेते हैं, और ये खजूर पीस लिया है मैंने दूध में, और ये ओट्स पीस लिया है मैंने, ओट्स बादाम को डालते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं, ये अच्छी तरह मिला लेते हैं। मैं इसके साथ ही इलायची भी पीसा है, अच्छी तरह मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के ये पीसा हुआ पोहा डालते हैं। अच्छी तरह मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिला लेते हैं, रवा भी थोड़ा थोड़ा डालते हैं, मिलाते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं, दूध डालते हैं। अभी 2-3 घंटे के लिए बाजू में रखते हैं। तो देखिए 3 घंटा हो चुका है, बैटर फूल चुका है, चुटकी भर नमक डाला है, मिला लेते हैं। अब 1 चम्मच खसखस डाला है, खसखस डालने से बहुत स्वाद होता है, चबाने का टाइम क्रिस्पी लगता है, नरम और क्रिस्पी। अभी थोड़ा घी डालते हैं पैन पर, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैनकेक बना लेते हैं। ये बहुत स्वाद होता है, बच्चों का टिफिन के लिए, बड़े लोग भी खा सकते हैं। आज मेरा होने वाले बहू का बर्थडे है, इसलिए मैं आज पैनकेक बना रही हूँ। वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी थोड़ा घी डालते हैं। नीचे से पकने तक पका लेते हैं। नीचे से पकने देते हैं अच्छी तरह, देखते पलटी कर लेते हैं। ये नरम क्रिस्पी बहुत अच्छा स्वाद रहता है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा घी डालते हैं, अच्छे से पेला लेते हैं, और छोटे छोटे केक बनाते हैं। थोड़ा घी लगा लेते हैं ऊपर से, अभी पलटी कर लेते हैं। तो चारों तरफ अच्छे से गर्म होना चाहिए तवा, चारों तरफ से अच्छे से गर्म होने से अच्छा बनता है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी निकाल लेते हैं। पैनकेक तैयार है, खाइए।